आयुर्वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां अध्याय डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानियम। दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानियम अध्याय। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम पर आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि कन्फ्यूजन है। बिल्कुल वैसे ही कई सारे ऑप्शन रहेंगे। चार ऑप्शन होते हैं, तो चारों में से काफ़ी सिमिलरिटी होती है, मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसमें जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं उन्हें नोटबुक में आप लिख लें, या फिर यहाँ जहाँ ये बताया गया है इसी बुक में साइड के साइड में लिखते जाएं, और उन जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करते जाएं, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। श्लोक नंबर 3 देखिए। श्लोक नंबर 3 में दोष धातु मलमूलम ही शरीरम तस्माद एतेषां लक्षणम उच्चमानम उपधारे। इस श्लोक इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पूछा जाता है। देखिए, जो रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप अलग से ही एक नोट्स बना लें, चैप्टर वाइज कितने, क्योंकि हर चैप्टर में एक या दो ही रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप वो बना लेंगे और सेपरेटली पढ़ लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से आपको याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे इसमें दोष धातु मलमूलम है, तो एक बार को पता चल रहा है कि 15वें अध्याय से है, जिसका दोष धातु मल क्षय विज्ञान। लेकिन हर चैप्टर का जरूरी नहीं कि आपको पता चलेगा, तो उसको अलग सेपरेटली बुक नोटबुक बना लेंगे और लिखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, एक यहाँ पे साइड में रेड कलर का एक देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, रक्त का जो रस होता है वो मधुर रस होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट श्लोक देखिए। तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूरण विवेक धारण, ऐसे करके पांच वायु के जो कर्म हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर प्रस्पंदन किसका कर्म है ये पूछा जाता है। प्रस्पंदन किसका कर्म है? प्रस्पंदन व्यान वायु का कर्म है। ऐसे ही उद्वहन उदान का कर्म है। ऐसे ही पूरण पूरण किसका कर्म है? पूरण प्राण वायु का कर्म है। विवेक किसका कर्म है? विवेक समान वायु का कर्म है। और धारण धारण करना किसका है? अपान वायु का कर्म है। ये याद रखिएगा, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच प्रकार की वायु होती है, ये आप जानते ही हैं, लेकिन इनमें जो पांचों का कर्म है ये सेपरेटली सेपरेटली पूछा जाता है, तो इसको आप एज इट इज ही याद रखिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट जो आता है देखिए, राग पक्तयो तेजो मेधोष्मकृत पित्तम। जो पित्त है वो राग पक्ति तेज मेधा और ऊष्मा, इस प्रकार से पित्त भी पांच प्रकार के होते हैं। तो राग किसका कार्य है? राग है रंजक पित्त का कार्य, पक्ति है पाचक पित्त का कार्य है, तेज तेज किसका कार्य है? आलोचक पित्त का। मेधा किस पित्त का कार्य है? मेधा जो है साधक पित्त का कार्य है। और जो ये ऊष्मा है ये भ्राजक पित्त का कार्य है। अगला जो है संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्यकृत श्लेष्मा। ये पांच प्रकार की श्लेष्मा भी है जिसके कर्म बताए गए हैं। ये इसके लिए लिखा है उदक कर्म कर्मणा अनुग्रहम करोति। ये जो जल के कर्म है उन्हीं के समान शरीर का जो है अनुग्रह करता है, उन्हीं के समान कर्म करता है। देखिए, कफ के बारे में संधि में जो होता है श्लेषक होता है, स्नेहन करता है, रोपक कफ होता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कफ होता है। मैं यहाँ ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा अभी। नेक्स्ट, आप इन सबके कर्म अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे तो उससे आपके ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगला देखिए, धातुओं के कर्म बताए हैं। रस तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। जो रस धातु होता है
वो क्या करता है, प्रीणन करता है और रक्त की पुष्टि करता है। देखिए एक यहाँ पे कॉमन सेंटेंस है, जो पूर्व की धातु होगी वो अपने से जो उत्तर उत्तर धातुएं होंगी उनका पोषण करता जाएगा। जैसे रस है तो वो रक्त का पोषण करेगा, रक्त है तो मांस का पोषण करेगा, मांस है तो मेद का, इसी प्रकार से जो सारी शुक्र तक की जो धातुएं हैं उनका पोषण करेगा। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और उन्हीं धातुओं के लक्षण आगे क्षय और वृद्धि में भी उन्हीं धातुओं के हिसाब से लक्षण आएंगे। तो जैसे रक्त का कर्म क्या है, रक्त का कर्म क्या है, वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि। देखिए यहाँ अगली जो अपनी उत्तरोत्तर धातु है उनका पोषण, उसी हिसाब से रक्त के बाद कौन सा मांस आता है तो मांस का पोषण करेगा। रक्त स्किन में होता है तो देखिए वर्ण का प्रसादन भी करेगा। अगला मांस पुष्टिम जीवयति, ठीक है। और मांस क्या काम करता है, मांस से शरीर की पुष्टि, किसी की मसल देखनी होती है हमें, पुष्टि देखना होता है तो मांस देखते हैं, तो मांस शरीर की पुष्टि तो करता ही है और अपने से नेक्स्ट धातु मेद को पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, देखिए मेद क्या करता है, मेद की जो उपधातु होती है स्नेह, मेद का जो कार्य होता है स्नेहन करना। और अगला स्वेद जो उसकी होती है, मेद से ही उत्पत्ति होती है स्वेद की। अगला जो है दृढ़त्व और पुष्टिमस्थना, जब अस्थियों को पुष्ट करेगा तो दृढ़ता तो अपने आप आएगी। ये हो गया उसकी मेद के कर्म। अगला जो है अस्थि, अस्थि का क्या है, अस्थि क्या करता है, देह का धारण करता है। सारे जिस प्रकार से एक आपको रेफरेंस मिलता है, जिस प्रकार से मकान में सरिया होता है और उसको उस सींक के द्वारा, उस सरिया के द्वारा उस मकान का धारण किया जाता है, उसी प्रकार अस्थियां हमारे शरीर का धारण करती हैं, तो वैसे ही अस्थियां देह धारण करती हैं और वो अपने से उत्तर धातु मज्जा हो गई, मज्जा का पोषण करेंगी। और जो मज्जा है उसका कर्म क्या है, मज्जा स्नेहम, स्नेहन करता है, बल करता है और शुक्र की पुष्टि करता है, उससे उत्तरोत्तर धातु शुक्र है तो उसकी पुष्टि करेगी। पूर्णम स्थानम, ये अस्थि का पूरण करता है, क्योंकि मज्जा कहाँ रहती है, मज्जा का स्थान जो होता है वो अस्थि होता है, तो इसलिए अस्थि का पूरण करता है। और शुक्र का कार्य क्या है, शुक्र क्या करता है, शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्ष बीजार्थम च। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं श्लोक नंबर 6 में इसका, इसलिए इसको तैयार कीजिए, याद कीजिए। अब आप इन धातुओं के जो भी कर्म हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे जो कर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। अगला जो देखिए, अभी धातुओं के कर्म हो गए, अगला मल का कर्म है, पुरीशम उपस्तंभम वायवाग्नि धारण, जो पुरुष होता है वो वायु और अग्नि का धारण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मूत्र होता है बस्ती का पूरण करता है और बस्ती का विक्लेदन करता है, अर्थात वहाँ पे थोड़ा सा जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, वो क्लेदन करके रखता है। अगला जो है स्वेद के लिए है, स्वेद से क्या होता है, स्वेद जो है क्लेद करता है, स्किन में जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, वो स्वेद करता है। त्वक सुकुमार, जो त्वचा की सुकुमारता है उसको भी मेंटेन करता है, अगर स्वेद नहीं रहेगा तो वहां से स्निग्धता खत्म हो जाएगी और त्वचा जो है रूक्ष और परुष हो जाएगी, इसलिए स्वेद वहां पर उसको क्लेदन करता है। अगला जो है, जो आर्तव का लक्षण है वो बताया है, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृत च गर्भो गर्भ लक्षणम, जो रक्त के लक्षण हैं वैसे ही लक्षण आर्तव के भी हैं। और क्या क्या करता है, आर्तव से ही गर्भकृत, गर्भ भी उसी से होता है तो गर्भ के लक्षण भी उसी से आते हैं। स्तन्य क्या करता है, स्तन्यम स्तनयो अपीनत्व जननम जीवनम जेति, जो स्तन्य है वो जीवन प्रदान करने वाला होता है। और उनका जो है लास्ट में आचार्य ने बोला है श्लोक नंबर 10 में कि उनका विधिवत जो है परिरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक आता है श्लोक नंबर 11, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें से कुछ ही पॉइंट इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोषों के क्षय के दोषों की दोषों के 6 लक्षण हैं, 6 के लक्षण। देखिए तत्र वात क्षय, वात के क्षय में क्या होता है, मंद चेष्टा, सारी चेष्टाएं वात वात के अधीन ही होती हैं तो उस चेष्टा में मंदता आ जाएगी। अल्पवाक, बोलना जो हम बोलते हैं,
प्रयत्न और जो बलवर्णादि कर्मचा, ये जो बोलते हैं वो भी वाद के अधीन ही होता है। प्रहर्ष मूढ़ संज्ञता, ये भी वाद के अधीन ही होता है। और ये वात के लक्षण हो गए। अगला देखिए जो पित्त के लक्षण हैं, पित्त क्षय मंदोष मित मंदोष्म, पित्त क्षय होगा क्या होगा, पित्त अग्नि का ही पर्याय है, उसमें पित्त ऊष्मा, पित्त से ही ऊष्मा होती है शरीर में, तो पित्त की ऊष्मा जब खत्म होगी तो क्या होगी, मंदोष्मिता होगी, और अग्निता मंदाग्निता होगी। निष्प्रभता, प्रभा, प्रभा किसका काम है, भ्राजक पित्त का काम है, तो प्रभा भी कम हो जाएगी। और श्लेष्म, फिर अगला जो है बताया है वो क्या है, श्लेष्म क्षय। श्लेष्म क्षय में क्या होगा, श्लेष्म क्षय में होगा रुक्षता, क्योंकि कफ स्निग्ध होता है, स्निग्धता शरीर को प्रदान करता है, अगर उसका क्षय हो गया है तो रुक्षता हो जाएगी। अंतर्दाह, चूंकि शीतल होता है और पित्त के गुणों को न्यूट्रलाइज करके रखता है, अगर ये कम होगा तो पित्त के गुण बढ़ जाएंगे और दाह हो जाएगा। आमाशय कफ का स्थान होता है, आमाशय तर श्लेष्माशय शून्यता, तो आमाशय में उसकी शून्यता हो जाएगी, रिक्त स्थान हो जाएगी। संधि शैथिल्य, संधि में कौन सा श्लेषक कफ रहता है, वहां पर स्नेहन करता रहता है, जो लुब्रिकेशन प्रदान करता है, तो अगर वहां पर कफ का क्षय होगा तो संधियों में शैथिल्यता आ जाएगी। अगला जो है तृष्णा, तृष्णा भी होगी। दौर्बल्य, क्योंकि श्लेष्मा को बल भी कहा है कई जगह आचार्यों ने, आगे आप पढ़ेंगे, तो वहां पे दौर्बल्य हो जाएगा। प्रजागरण, वहां पे निद्रा नाश भी हो जाएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे दोषों के क्षय और वृद्धि से निद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है तत्र स्वयो योनि वर्धनान्य प्रतिकार, उनका जो अपने अपने वृद्धि करने वाले द्रव्य हैं उनके हिसाब से उनका प्रतिकार करना चाहिए। अगला देखिए रस्य, जो धातुओं के क्षय हैं उनसे क्या होता है। अगला है रस्य, रस्य से क्या होगा, हृत पीड़ा, हृदय में पीड़ा होगी, क्यों, क्योंकि हृदय ही रस का स्थान है। चतुर्विंशति धमनियों का भी हमने वर्णन किया था, 10 ऊर्ध्व, 10 अधोगामी, 4 तिर्यगामी, तो अगर रस्य होगा तो वहां पे हृदय में पीड़ा होगी। कंप होगा, शून्यता होगी, ऑब्वियसली हृदय जो है रस का स्थान है, वहां पर रसक्षय हो जाएगा तो वहां पे शून्यता हो जाएगी। तृष्णा, वहां पे पिपासा की वृद्धि हो जाएगी। अगला है शोणितक्षय में क्या होगा, शोणितक्षय में क्या होगा, शोणितक्षय त्वक पारुष, फिर स्किन में जो सप्लाई होती है वो रक्त के द्वारा ही होती है, तो क्या होगा वहां पे उसकी कमी होगी, तो जो परुषता होगी वो त्वचा में आ जाएगी। अम्ल शीत प्रार्थना, जो जिसकी क्षीणता होगी वो पेशेंट अम्ल और शीत द्रव्यों के खाने की प्रार्थना करेगा। शिरा शैथिल्य, देखिए रक्त जो शिराएं होती हैं वो रक्त के द्वारा ही, उनमें जो टेंशन होता है, तनाव रहता है, वो रक्त के द्वारा ही होता है। धमनी और शिरा में देखिए बेसिक डिफरेंस है, धमनियां जो होती हैं वो मांस में इन्वेडेड होती हैं, मांस में ही स्थित होती हैं, और जबकि सिराएं मांस के बाहर लगभग स्किन के नीचे स्थित होती हैं, तो उनमें जो सपोर्ट होता है वो रक्त का जब प्रवाह होता रहता है तो वो तनी हुई रहती हैं, लेकिन अगर रक्त का क्षय हो जाएगा तो सिराएं वहां पर तनी हुई नहीं रहेंगी। ऐसे ही मांस क्षय, मांस क्षय में क्या लक्षण आएंगे, मांस क्षय के लक्षण आएंगे स्फिक यानी ग्लूटियल रीजन, गंड मतलब कपोल या चीक रीजन, ओष्ठ उपस्थ यानी पेरिनियल रीजन, उरु उरु मीन्स जहां पे जॉइंट्स होते हैं लेग्स के, और वक्ष थोरेक्स रीजन, कक्षा कक्षा मतलब जहां पर ये आर्म्स का जॉइंट होता है, पिंडिको उदर उदर जानते हैं आप, ग्रीवा शुष्कता, इन स्थानों में जो मांस के विशेष स्थान है जहां पर हमारी बॉडी मस्कुलर है, जहां पर मांस ज्यादा है, उन स्थानों पर सबसे पहले शुष्कता दिखने लगेगी, दिखेगी पूरे शरीर में, लेकिन जो मांसल प्रदेश है जहां पर जैसे ग्लूटियल रीजन है, ये काफी मांसल प्रदेश है, तो वहां पर पहले से ये शुष्कता दिखने लगेगी। अगला है रौक्ष तोद, वहां पर रुक्षता होगी, तोद होगा। गात्राणाम सदनम, जो मोबिलिटी होगी ऑर्गन्स की वो मूवमेंट नेचुरल नहीं रहेगी, वहां पे थोड़ा सा डल मूवमेंट होगी। धमनी शैथिल्यम, अभी मैंने बताया जब रक्त का क्षय होगा तो सिरा शैथिल्य होगा, यहां पर लिख लीजिए रक्त का क्षय होगा तो सिरा शैथिल्य होगा, लेकिन जब मांस क्षय होगा तो वहां पर धमनी शैथिल्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा
कंफ्यूजन है। अगला देखिए, मेष दशा में क्या होता है, मेष दशा में क्या होगा, मेष दशा से प्लीहा अभिवृद्धि होगी, संधि में शून्यता होगी और रुक्षता होगी, मेद और मांस की प्रार्थना, मतलब जो पेशेंट है वो मेद और मांस खाने की इच्छा करेगी, और अस्थि क्षय जो होगा, अस्थि क्षय में क्या होगा, अस्थि शूल, जो अस्थि है उसमें पेन होगा, दंत नख भंगो, जो अस्थि के बने हुए भाग हैं या अस्थि के जो मल हैं, दंत और नख ये टूटने लगेंगे, इनमें वो मजबूती नहीं रह जाएगी जो नेचुरली होती है, और रुक्षता होगी। और नेक्स्ट जो है मज्जाक्षय, मज्जाक्षय में क्या होगा, मज्जाक्षय मज्जा की अगली धातु क्या है, शुक्र, तो यहाँ पे अल्प शुक्रता होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये इनफैक्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है। पर्वभेद, मज्जाक्षय में पर्वभेद होगा, अस्थि निस्तोद, क्योंकि अस्थियां खाली हो जाएंगी तो वहां पे तोद होगा, अस्थि शून्यता, वहां पे अस्थि शून्यता होगी। और शुक्र क्षय में क्या होगा, शुक्र क्षय में होगा मेढ वृषण वेदना, वो जो शुक्र जिन ऑर्गन्स में शुक्र रहता है उनमें वेदना होगी, अशक्ति मैथुने, और मैथुन करने की सामर्थ्य कम हो जाएगी, चिरात प्रसेको यानी इजेकुलेशन आफ्टर मैथुन जो इजेकुलेशन होता है वो देर से होगा, और प्रसेके अल्प रक्त, और जो इजेकुलेशन होगा उसमें जो है अल्प रक्त का भी दर्शन होगा। आचार्य ने फिर से वही बताया, तत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्योपयोग प्रतिकारः, उनको अपने अपने जो उनको बढ़ाने वाले द्रव्य हैं उनका उनके द्वारा उनका प्रतिकार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो श्लोक है, पुरीक्षय में क्या होता है, पुरीक्षय हृदय पार्श्व पीड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पुरीक्षय से क्या होगा, हृदय और पार्श्व, पार्श्व मतलब लेटरल रीजन, जो भी पसलियों के आसपास का एरिया है वहाँ पर पीड़ा होगा। स शब्द से च वायु ऊर्ध्वगमनम, शब्द के साथ में वायु का ऊर्ध्वगमन होगा, कुक्षो संचरणम च, और वायु जो है कुक्षी में संचरण करती रहेगी। अगला जो है मूत्रक्षय, मूत्रक्षय में क्या होगा, मूत्रक्षय बस्तितोद, देखिए बस्तितोद जो है यहाँ पर ये लक्षण जो है बस्तितोद, ये मूत्र के क्षय और वृद्धि दोनों में होगा, मूत्रक्षय बस्ती तोदो अल्पमूत्रता चा, बस्ती तोद होगा और अल्पमूत्रता भी होगी वहां पर, यानी जब मूत्र का क्षय हो गया तो अल्पमूत्रता बहुत कॉमन सेंस की बात है वहां पर होगी। यहां पर भी अत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्योपयोग, यहां पर भी अपने अपने जो योनि के द्रव्य हैं उनका उनके द्वारा उसका प्रतिकार करेंगे। अगला जो मल है, यहाँ पे मलों के क्षय की बात चल रही है, अगला जो है स्वेद आता है, नेक्स्ट मल स्वेद क्षय में क्या होगा, स्तब्ध रोम कूपता, स्तब्ध मतलब ब्लॉकेज हो जाएगी, जो रोम कूप हैं उनका ब्लॉकेज हो जाएगा, स्तब्ध का मतलब यहाँ पर ब्लॉकेज से लिया गया है। त्वक्शोषा जो स्किन है वो शुष्क हो जाएगी, स्पर्श वैगुण्य जो टच है वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब जो टच सेंसेशन है उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, स्वेद नाश और स्वेटिंग कम हो जाएगी, स्वेद क्षय है तो स्वेदन का नाश होगा, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। वहाँ पर क्या करना है, अभ्यंग करना है और स्वेदन का उपयोग करना है, अभ्यंग और स्वेदन उसकी चिकित्सा बताई है आचार्य ने। और देखिए नेक्स्ट जो है आर्तव क्षय यथोचित काल, जब आर्तव का क्षय हो जाएगा, आर्तव के क्षय में क्या होगा, यथोचित कालम काल दर्शनम अल्पता, आर्तव का क्षय होने पर आर्तव का जो दर्शन है वो सही समय पर नहीं होगा, यानी मेंसेस सही समय पर नहीं होंगे, अल्पता मतलब अगर होंगे भी तो कम होंगे, और उसको योनि वेदना होगी। अगले इनकी चिकित्सा के लिए क्या बताते हैं आचार्य, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, संशोधनम आग्नेय नाम, संशोधन करना चाहिए और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा इसको। अगला है जब स्तन्य क्षय हो जाता है, तो स्तन्य क्षय में क्या होता है, स्तनयो म्लानता, एनाटॉमिकली जो स्तन है उसकी वो मलिन हो जाते हैं और उसकी वो स्तन्य जो होता है वो अल्प मात्रा में निकलता है। इनकी चिकित्सा के लिए क्या किया जाता है, श्लेष्म वर्धन द्रव्यो, स्तन्य क्षय में श्लेष्म वर्धन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। गर्भक्षय में क्या लक्षण होता है, गर्भक्षय गर्भ अस्पंदनम, गर्भ का स्पंदन नहीं होता है,
यानी वहाँ पर जो बताया गया है कि गर्भ में स्पंदन, तृतीय मास, चतुर्थ मास, जैसे आचार्य ने बताया वो आप शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे, वो स्पंदन नहीं मिलता है उसमें। अनुन्नत कुछ कुक्षिता, उसकी कुक्षी जो है अधिक उन्नत नहीं मिलती है। अनुन्नत कुक्षी, ये आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो फंडल हाइट मिलती है हमें पेशेंट की, किस मंथ में कितनी ग्रोथ हुई है, वो फंडल हाइट हमें उसमें नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या करना है हमें, प्राप्त बस्ती काल, कालाया शीर बस्ती, जो प्राप्त बस्ती काल का अर्थ है यहाँ जो 8th मंथ में अनवासन आदि बस्तियों का प्रयोग बताया है उनका प्रयोग करना चाहिए, और शीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो है मेध्यान्ह का प्रयोग, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मेध्यान्ह का प्रयोग कब करते हैं, गर्भाशय में करते हैं। देखिए अब मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कलेक्ट किया है उनको आपको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन जो होता है संधि, संधियों को लेकर के बताया है, तो संधि शैथिल्य बताया है, संधि शैथिल्य कब होता है, वो कफ में होता है। संधि शून्यता बताई है, संधि शून्यता जो होती है वो मेद में होती है। ऐसे ही फिर एक वर्ड है पर्व भेद, पर्व भेद किस में होता है, ये मज्जा में होता है। नेक्स्ट जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। देखिए चरक ने जो बताया है, संधि विश्लेष बताया है, वो अस्थि क्षय में बताया है, ये अस्थि क्षय में बताया है। अगला जो है संधि अस्थि विश्लेष बताया है सुश्रुत ने, संधि अस्थि का जो विश्लेष बताया है वो कफ की वृद्धि में बताया है। ठीक है, ये अगला। अब जो लक्षण बताते हैं वो वृद्धि के, इन धातुओं के वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं। अत ऊर्ध्वम अतिवृद्धा नाम दोष धातु मला नाम लक्षणम वक्ष्यामः, आगे जो दोष धातु और मल हैं उनकी वृद्धि के लक्षण बताते हैं। देखिए तत्र वात वृद्धो, जब वात की वृद्धि होगी तब क्या होगा, वाक् पारुष्यम, कार्श, कार्श जो वात के कर्म है वो बढ़ जाएंगे, गात्र स्फुरण, उष्ण उष्मकामिता, निद्रा नाश। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वात के लक्षण में निद्रा नाश है, अल्पबल, वात में अल्पबल होगा, गाढ़ वर्चस्तम। और फिर अगला है जो पित्त के लक्षण है, पित्त की वृद्धि में क्या होंगे, पित्त की वृद्धि में पीताव भासता, संताप, ये कॉमन से लक्षण है आपको याद होना चाहिए, शीतकामित्वम, अल्पनिद्रता, ये अल्पनिद्रता पित्त के लक्षण में है, मूर्छा होगी, मूर्छा पित्त तमः प्रायः, ये याद रखिएगा, बल हानि, इसमें भी बल हानि होती है। और जो अगला है इंद्रिय दौर्बल्य, पीत बिण मूत्र नेतत्वम, इसलिए इसमें वृद्धि में क्या होता है, शौक्लम, शैत्यम, स्थैर्यम, गौरम, फिर गौरवम, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधि विश्लेष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं निद्रा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि किसमें क्या होता है, तो निद्रा को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, वात पित्त कफ में क्या होता है, निद्रा को लेकर के, वात में क्या होता है, निद्रा निद्रा नाश होता है, पित्त में क्या होता है, अल्प निद्रा होता है, कफ में क्या होता है, निद्रा इंक्रीज होती है। ऐसे ही ये निद्रा की हो गई, बल क्या होता है, वात में क्या होता है, बल जो है अल्प होता है, और पित्त में बल बल हानि खुला है। कफ में देखिए बल के लिए डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन वहां पर स्थैर्य और ये सारा बताया है, तो इसमें बल के लिए कुछ भी नहीं इंडिकेट किया है। अगला है रस की अतिवृद्धि में क्या होगा, रसो अतिवृद्धि हृदयोत्क्लेद प्रशेकम चापादयत, रस की अतिवृद्धि से क्या होगा, हृदय उत्क्लेद होगा, प्रसेक मतलब आलस्य होगा, ये
इसकी वजह से होता है रस की अति वृद्धि में। अगला जो है रक्त की वृद्धि में क्या होगा, रक्तांकांक्षिता, रक्त की वृद्धि में रक्त की आकांक्षिता होगी। सिरा पूर्णत्वम, सिरा पूर्णत्व होगा वहां पर। और मांस मांस की वृद्धि में क्या होगा, स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ बाहु जंघासु वृद्धिम, इनकी वृद्धि होगी, गुरु गात्रता होगी, अंग सारे भारी हो जाएंगे। और मेद में क्या होगा, स्निग्ध स्निग्धांगता, उदर पार्श्व वृद्धि मतलब ओबेसिटी हो जाएगी, का श्वास, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है दौर्गंध, ये मेद का ही प्रोडक्ट होता है स्वेद, तो स्वेद से दौर्गंध होगी। और अस्थि, अस्थि से क्या होगा, अध्यस्थि मतलब अस्थियां जो है ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, या फिर एक्स्ट्रा मतलब अध्यस्थि का अर्थ लिया है अधिकम अस्थि अध्यस्थि, इस प्रकार से अस्थियों का स्वभाव जो मोटा हो जाता है इसे हाइपर ट्रॉफी कहते हैं। और दंत की जो है अधिदंत हो जाएंगे, मतलब दांतों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाती है, अधिदंत निकल सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप दोषों की क्षय के लक्षण याद करेंगे तो वृद्धि के लगभग लगभग सारे ऑपोजिट लक्षण हैं। मेद में काश श्वास है, ये इसका जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है, याद रखिएगा, मेद वृद्धि से काश श्वास होता है। बाकी सारे आप कॉमन सेंस से इसमें क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगला जो है मज्जा से क्या होता है, मज्जा सर्वांग नेत्र गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मज्जा से सर्वांग नेत्र का गौरव होता है। और शुक्र से क्या होता है, शुक्र अधिक होने पर शुक्र अस्मरी प्रादुर्भाव, शुक्र शुक्र से शुक्र की अस्मरी होती है। पुरीष वृद्धि होने से क्या होती है, आटोप होता है और कुक्षी में शूल होता है। मूत्र वृद्धि से क्या होता है, मूत्र वृद्धि से होता है मुहुर मुंह प्रवृत्ति, बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होती है। बस्ती तोद, ये पीछे बताया, मूत्र क्षय में भी है और मूत्र वृद्धि में भी है। आधमान भी होता है। और स्वेद से क्या होता है, स्वेदस त्वचो दौर्गंध्यम कंडुचा, स्वेद की वृद्धि होने से त्वचा में दौर्गंध्य और कंडु दोनों होता है। आर्तो वृद्धि से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंगमर्द होता है, अति प्रवृत्ति होती है आर्तो की वृद्धि से, और दौर्गंध्य वहां पर दुर्गंध भी होता है। अगला जो है स्तन्य के लिए क्या बताया, स्तन्यम स्तनयो अपिनत्वम मुहुर मुह प्रवृत्ति, स्तन्य की प्रवृत्ति भी बार बार होगी, तोद होगा। और गर्भ में क्या होगी, गर्भ में होगी जठराभिवृद्धि स्वेदम च, तेषाम यथास्तम संशोधनम क्षपणम च क्षयात विरुद्ध क्रिया विशेष, इन सभी के जो उसके लिए चिकित्सा के लिए क्या करते हैं, संशोधन, क्षपण मतलब उसका शोधन, और क्षय करने के लिए जो क्रियाएं इंडिकेटेड है वो सारी करेंगे। पूर्वा पूर्वो अतिवृद्धि, देखिए ये एक सिद्धांत है चिकित्सा के लिए कि पूर्वा पूर्वो अतिवृद्धि वृद्धत्वाद वर्धयति परम परम, मतलब इसका कहने का मतलब है जो पहले पहले की धातु है वो अपने से बाद वाली धातुओं को बढ़ाती है, इसलिए अगर चिकित्सा करना है तो वो जो बाद वाली धातुएं हैं उनका ह्रास कर देना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 24th नंबर श्लोक देखिए, बल लक्षणम बलक्षयम च उपदेशयामः, इसमें जो रस से लेकर, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जो है मैं उसे मार्क करवाता हूँ, तत्र रसादीनाम, रस आदि से लेकर के शुक्र तक जो धातु होती हैं उनका जो तेज होता है मतलब एक्सट्रैक्ट होता है सार होता है उसे ओज कहते हैं, और वही ओज बल है। देखिए कई जगह पर ऐसा मिलता है कि जो ओज है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो बल है उसी का फंक्शनल यूनिट है, तो ऐसे ओज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है तत्र बलेन स्थिरोपचित मांसानाम, जो बल है उससे मांस धातु जो होती है वो स्थिर और उपचित होती है। और सब मनुष्य जो है सर्वचेष्टासु प्रतिघाता, सभी प्रकार से सभी प्रकार की चेष्टाओं को करने में समर्थ होता है। स्वर वर्ण उसके अच्छे होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर इन सब जो हस्तपाद अभ्यंतर ये ज्ञान इंद्रिय अपने अपने कार्य में उत्तम रूप से प्रवृत्ति होती है, इसका अर्थ ये है। ओजा सोमात्कम सोमात्मकम स्निग्धम, ओज जो होता है वो सोमात्मक होता है, ये याद रखिएगा, शीतल होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल होता है, शीत होता है, स्थिर होता है, सर होता है। विविक्त,
विविक्त इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। विविक्त मतलब सारे गुणों श्रेष्ठ लक्षण वाला होता है। विविक्त का अर्थ है कि श्रेष्ठ लक्षणों वाला। और ये प्राणायतनम उत्तमम, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओज को यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने प्राणायतन के लिए उत्तम कहा है। और प्राणायतन उत्तम किसके लिए कहा गया है? बस्ती के लिए भी प्राणायतन उत्तम कहा गया है। यहाँ पर ओज के लिए भी बोल दिया गया। नेक्स्ट जो है, देहा सवायवस्तेन व्याप्तो भवति देहिना तद्भावच्च शीरेन्ते शरीर शरीराणि शरीरम। इसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो लक्षण बताए हैं ये पूछा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने ओज को क्या कहा है? सर्व शरीर व्यापी। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आचार्य चरक ने क्या कहा है कि हृदय में स्थित होता है? ये ओज के लिए कहा है आचार्य ने। अगला जो श्लोक है, ओज का नाश कैसे होता है, ओज का क्षय कैसे होता है, ये बताया है। अभिघातात्, अभिघात मतलब चोट लगने थे, क्षय धातुओं का क्षय होने थे होने से, कोप यानी क्रोध करने से, शोक मतलब चिंतन या शोक करने से, अध्यसन, अध्यसन भी यहाँ सॉरी ध्यानात्, यहाँ पर ध्यान करने से या चिंतन करने से, श्रमात् अत्यधिक श्रम करने से, और सुधा का वेग धारण करने से ओजा संक्षेपित ओज का क्षय होता है। तो इसमें नेक्स्ट जो श्लोक है, इसके जो ओज के विसृंस और व्यापद के लक्षण बताए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तीन प्रकार से होता है, विसृंस, व्यापद और क्षय, इन तीनों के लक्षण बताइए। तस्य विसृंसो व्यापद क्षय त्रयो दोष लिंगानि भवति। ये विसृंस, व्यापद, क्षय, ये जो है तीन दोषों के लक्षण। तो ये यहाँ पर तीन बताए, तीन प्रकार के हैं जो ओज के लक्षण हैं। देखिए जो सबसे पहले लक्षण बताया है विसृंस के लिए बताया है, श्लेषो गात्राणाम सदनम दोष च्यवनम क्रिया सन्निरोधश्च विसृंसे। ये विसृंस में क्या होता है? ये याद रखिएगा, विसृंस में ओज के क्या लक्षण होते हैं। विसृंस में शरीर के जो संधियों का विश्लेष हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है। गात्राणाम सदनम, जो अंग हैं उनमें पीड़ा होती है। वातादि दोष अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं, मतलब अपने जो स्वाभाविक कर्म है वो नहीं करते हैं, और मानसिक और ये सारी जो क्रियाएं हैं उनका अवरोध हो जाता है। अगला है स्तब्धता उत्पन्न हो जाती है, गुरुगात्रता, सारे अंगों में हैवीनेस हो जाता है, वात शोप हो जाता है, वर्ण भेद होता है, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा। देह के जो शरीर के वर्ण भेद का अर्थ है शरीर की वर्ण बदलते रहते हैं, और इसमें वातिक शोथ होता है। ये चाहे तो आप याद कर लें, अभी तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आने की प्रॉबिलिटी है, आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, ग्लानि होती है उसमें, तंद्रा और निद्रा, ये व्यापद में होते हैं। और अगला जो क्षय है उसके लक्षण हैं, क्षय के लक्षण याद करने के लिए आप याद कर लीजिए 4MP। इसमें मूर्छा, मांसक्षय, मोह और मरण, ये तो हो गए 4M, और ये प्रलाप, ये ओज क्षय के लक्षण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य इन्हीं इन्हीं जो ये तीनों के लक्षण हैं वो अच्छे से एलेबोरेट किया है। देखिए इसमें से जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 30 में देखिए, त्रयोदोषा बलस्युक्ता व्यापद विसृंसन क्षय विश्लेष आदो गात्राणाम दोष विसृंसनम श्रम। अब इसमें जो अगला श्लोक है उसमें अप्राचुर्य क्रियाणाम, ये उस मेन श्लोक में नहीं था, से सारा दिया हुआ है, चाहे तो आप ये श्लोक याद कर लें, ये पद्य है तो ये जल्दी से याद हो जाएगा। ये अप्राचुर्य क्रियाणाम जो ओज के जो विसृंस के लक्षण हैं उनमें नहीं दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको याद कर लीजिए।
नेक्स्ट जो है, बाकी सारी चीज़ें लगभग श्लोकों में सेम ही हैं, तो मैं उनको नहीं यहाँ पर इलेबोरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक आते हैं 33 नंबर, तत्र विसरण से। अगला जो श्लोक है तंत्र कल्प्यापद और पूर्वोक्तानि च लिंगानि मरणम च बलचे तद विश्राम क्रिया विरोध इधर तु मूढ़ संज्ञम वर्जयेत क्रिया विशेषे विरुद्ध है बलम यापेत। जो ओष है कि शीण शीण के जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मूढ़ संज्ञा जिनकी ओज ये क्षय हो गया है उनको मूढ़ संज्ञा दी गई है और उनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। अगला जो श्लोक है देखिए, रस निमित्तम, बाकी ये इनमें से ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो आइए देखते हैं, रस निमित्तम स्थौल्यम कार्श्यम चा। जो स्थौल्य और कार्श्य है वो रस के निमित्त है, ये इम्पोर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आचार्य चरक ने इसको बताया है आहार निमित्त, आहार निमित्त स्थौल्य और कार्श्य, और स्वप्न निमित्त भी मिलेगा आपको अष्टोनिंदितीय में, अष्टनिंदी में पढ़ेंगे। अगला जो है तमति स्थूलम, इस जब आगे है कि जो मेद है, मेद व स्रोतस हैं वो ब्लॉकेज हो जाता है उनमें, तो क्या लक्षण होते हैं? वो अत्यधिक स्थूल हो जाता है, तो क्या होता है? क्षुद्र श्वास, उसमें क्षुद्र श्वास उत्पन्न होती है। पिपासा, क्षुधा, प्रस्वेद, गात्र दौर्गंध है, क्रथन, गात्र सदन, ये सारे लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं। सौकुमार्य मेद सा, क्योंकि मेद जो होता है वो सुकुमार लक्षण वाला होता है, तो उसमें क्या होता है? सर्व क्रियासु असमर्थ, वो सभी क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि वो सुकुमार हो जाता है। और अगला जो है कफ मेदो निरुद्धत्वात् मार्गत्वात्, मतलब कफ और मेद के द्वारा उसका जो मार्ग है वो निरुद्ध हो जाता है। आवृत मार्गत्वादेव, जो उसके मार्ग जो होते हैं सारे आवृत हो जाते हैं। फिर धातवा नाप्यायते अत्यर्थम, मतलब उसकी जो उत्तर उत्तर धातुएं हैं उनका पोषण भी नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसको प्रमेह, पिड़का, ज्वर, भगंदर, विद्रधि, वात विकार, अन्यतम प्रायः पंचत्वम उपाय, मतलब ये सारे विकार होकर के वो अंत में पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। अगला जो है सर्व एव चास्य रोगा बलवंतो भवंत आवृत मार्गत्वात्, तो ये सारे जो होते हैं मार्ग आवृत हो जाते हैं। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उत्पन्न हो जाने पर रोग उनकी चिकित्सा के लिए जो बताया है ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे स्थूल की चिकित्सा में क्या उपयोग करते हैं, तो क्या उपयोग करते हैं? शिलाजतु, देखिए स्थूल की चिकित्सा में क्या करते हैं, क्या देना चाहिए? शिलाजतु, गुलू, गोमूत्र, त्रिफला, लोह, रज, ये इम्पोर्टेंट है। रसांजन, मधु, यव, मुद्ग, कोरदू, श्यामक, उद्यालक, जो सारे रोगक्षण करने वाले अन्न हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो है अतिकृष का बताया हुआ है कि पुनः जो वातल आहार का सेवन करने वाले हैं उनको, अति व्यायाम करने वाले हैं, व्यवाय करने, अध्ययन, भय, शोक, अध्ययन, रात्रि जागरण, पिपाशा, क्षुधा, कषाय, अल्पाशन प्रभृति, ये सारे जो हैं उनका क्या होते हैं? वो अतिकृष हो जाते हैं। तो अतिकृष में क्या होता है? क्षुत, पिपासा, उष्णवात, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनमें जब ये सारे लक्षण जो कृष के लक्षण हैं वो याद रख लीजिएगा, कृष के लक्षण ये आप रीडिंग मार करके छोड़ देना। उनके उत्पन्न होने पर क्या देते हैं? उत्पन्न होने पर उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं? पयस्या, अश्वगंधा, विदारी गंधा, शतावरी, बला, अतिबला, नागबला और मधुर रस, ये सारे इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो श्लोक है, श्रेष्ठो मध्य शरीरस्तु कृशा स्थूलातु पूजिता, ये इंपॉर्टेंट है। जो मध्य शरीर के व्यक्ति होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन स्थूल और कृश में से कौन सा श्रेष्ठ होता है? कृश व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, क्यों? क्योंकि जो दो उनका उपक्रम होता है वो सेम होता है, मतलब अगर प्रिंघण चिकित्सा करेंगे किसी कृश व्यक्ति में तो उसका वात प्रकोपित नहीं होगा और वो उसकी कृशता खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी
मेदस्वी जो स्थूल व्यक्ति है उसकी अगर कर्षण चिकित्सा करेंगे तो उसका वात प्रकोपित हो जाएगा और उसके अन्य लक्षण आने लगते हैं, दोषों का प्रकोप हो जाता है। इसलिए जो कृष व्यक्ति है उसकी चिकित्सा करना ज़्यादा आसान होता है। अगला श्लोक है, दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका रेफरेंस पूछा जाता है तो इसलिए आप इसको रेफरेंस के लिए मार्क कर लीजिए। अगला जो है श्लोक नंबर 46, दोषादि नाम तो समताम अनुमानेन लक्षित। जो दोषों की जो उनका दोषों का बैलेंस है उनका उनकी समता का अनुमान लक्षण के द्वारा लगा लेना चाहिए। अप्रसन्न इंद्रिय विक्षम पुरुषम, जो कुशल धातु और मलों की असमानता को देख करके मनुष्य के उसको वैद्य को जान लेना चाहिए कि उसके क्या लक्षण है क्या नहीं। अगला जो आयुर्वेद का बहुत ही क्लासिक श्लोक है, इनफैक्ट हम सभी को याद ही होगा और याद ही होना चाहिए, स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की बताई गई है ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इनफैक्ट ये श्लोक ही याद होना चाहिए जब हेल्थ की डेफिनेशन पूछा जाए तो इसे कोट करने के लिए। समदोषा, सभी दोष समावस्था में होंगे। समाग्नि, अग्नि सम होगी। सम धातु, सभी धातुएं सम अवस्था में होंगी और सभी मल सम अवस्था में होंगे। उसकी जो आत्मा है वो प्रसन्न होगी, इंद्रियां सभी प्रसन्न होंगे और मन भी प्रसन्न होगा। इसे स्वस्थ की डेफिनेशन कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये जो 15th चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। आप बेहतर है कि इसको पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं और उन्हें बार बार पढ़ें। सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।